स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थी गणों को, और मैं डॉक्टर इंद्रजीत दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल में पिछले 9 साल से कार्यरत हूं। और शुरुआत हम कुछ इस तरह से करेंगे, क्योंकि मुझे पता चला कि कल भी टीचर एजुकेशन के कमीशन के ऊपर कुछ व्याख्यान हुआ है, और उसमें आपको खासतौर पर उस व्याख्यान से रिलेटेड आपको जानकारी मिली है काफी हद तक। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के व्याख्यान में टीचर एजुकेशन और उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या रही और उस पर क्या सिफारिशें दी गई, उस पर मैं आपसे बातचीत करूं। सबसे पहली बात तो मेरे को आपको ये समझने की जरूरत है कि शिक्षक शिक्षा जो है एक पेशेवाराना यानी कि प्रोफेशनल एजुकेशन है। और ये भी आपको पता होगा कि जो शिक्षक शिक्षा की जो नींव है वो भारत के स्वाधीनता से पहले ही पड़ चुकी थी, और उसके बाद स्वाधीनता के बाद यानी कि भारत आजाद होने के बाद, स्वाधीनता आजाद होने के बाद लगातार 47 के बाद से ही हमारे यहां पर भारतवर्ष में शिक्षण का यानी कि टीचर एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर रहा है। मैं ये कहूंगा कि बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन तो बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिले हैं शुरुआत के दौर में, पर आपको मैं ये जरूर बताऊंगा कि 1986 की पॉलिसी के बाद यानी कि इनफैक्ट 1985 में जो चट्टोपाध्याय कमेटी थी उनकी जो टीचर्स से रिलेटेड जो भी सुझाव थे और खासतौर पर टीचर एजुकेशन से जुड़े जो सुझाव थे उसको कहीं ना कहीं 1986 के पॉलिसी में थोड़ा बहुत समाहित किया गया, और 1992 में जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो तैयार किया गया उसमें भी कुछ हद तक उन बातों को रखा गया और उसी को आगे बढ़ाया गया। टिल 2000 तक, मैं आप ये कहूं 2000 तक शिक्षण शिक्षा का जो परिदृश्य रहा है भारतवर्ष में वो कुछ इस तरीके से रहा है कि हमारे यहां पर ज्यादातर जो शिक्षक शिक्षा का जो वो था वो स्कूल एजुकेशन को, मैं आपको बता दूं स्कूल एजुकेशन के दायरे में रहा है। टीचर एजुकेशन का ज्यादातर हिस्सा प्री प्राइमरी, प्राइमरी तक, ज्यादातर प्री प्राइमरी और प्राइमरी जो है, या आज कहें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन भी उसको शामिल कर लें, वो ज्यादातर स्कूली शिक्षा के अंतर्गत रहा है। और स्कूली शिक्षा के अंतर्गत होने की वजह से ज्यादातर जो बॉडीज या ज्यादातर जो संस्थानें जो जुड़ी हुई थी वो टीचर एजुकेशन की से जुड़ी हुई संस्थानें जो थी वो स्टेट के कंट्रोल में थी। ज्यादातर कॉलेजेस थे, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन हुआ करते थे, यूनिवर्सिटीज खास तौर पर सेकेंडरी एजुकेशन को, सेकेंडरी टीचर एजुकेशन को ज्यादा देखती थी। ये आपको मालूम होगा कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी टीचर एजुकेशन का जो था वो उसका जो क्षेत्र, कार्य क्षेत्र था वो ज्यादातर टीचर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस थे यानी कि संस्थानें थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में थी और बिल्कुल अलग हुआ करती थी, और यूनिवर्सिटी के दायरे में जो है यूनिवर्सिटी के हाथ में सेकेंडरी टीचर एजुकेशन यानी कि सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी टीचर्स को तैयार करने का या बनाने का जो दायित्व था वो यूनिवर्सिटीज के पास था। और आपको ये भी पता होगा कि 1986 की पॉलिसीज में डायट्स को कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक संस्था हो जो कि खासतौर पर प्राइमरी एजुकेशन के टीचर ट्रेनिंग को देखे, और उसकी वजह से प्राइमरी एजुकेशन का टीचर ट्रेनिंग पूरा जो है, प्राइमरी एजुकेशन का टीचर ट्रेनिंग पूरी तरह से वो डायट्स के हाथ में आ गया, और उसको गवर्न करते थे स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, SCERT उसको गवर्न करती थी। पर मैं फिर भी कहूंगा कि बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जहां पर प्राइमरी टीचर एजुकेशन और सेकेंडरी टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज के दायरे में रहा, बट ये मैं ये ज्यादातर ये कहूंगा कि ज्यादातर जो कमीशंस आपको मैं आप आज जो तैयार बताऊंगा जो ज्यादातर कमीशंस की जो बातचीत हम लोग कहेंगे उन्होंने ये बहुत साफ लफ्जों में कहा है, तीनों कमिटीज की बात जो कह रहा हूं, नेशनल नॉलेज कमीशन और यहां तक कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो एक बड़ा पॉलिसी डॉक्यूमेंट रहा है, और तीसरा जो यशपाल कमेटी की रिपोर्ट 2009 की रही है, उन तीनों ने इस बात को बड़े खुले शब्दों में कहा है अपने ऑब्जर्वेशंस में कि
टीचर एजुकेशन का सबसे बड़ा जो 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 टीचर एजुकेशन जो है जो एक हायर एजुकेशन के अंतर्गत आना चाहिए था और रहना भी चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली वो प्राइमरी और प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है जो स्कूली एजुकेशन के अंतर्गत आता है वो डाइट्स और ऐसे संस्थानों के हाथ में रह गया, और जबकि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी हायर एजुकेशन, और ये जो भेद है, ये जो विभेद विभाग है, यानी कि भाग जो है सेग्रीगेशन जो है, और ये एक बहुत बड़ी वजह रही है। और ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन को लेकर सभी का यही ऑब्जर्वेशन रहा है कि ये डिवीजन नहीं होना चाहिए। जब आप टीचर तैयार कर रहे हैं, टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचर बनाने की प्रक्रिया में हैं, तो ये यूनिवर्सिटी का दायित्व होना चाहिए था हमेशा से ही कि यूनिवर्सिटी उन चीजों को, उन टीचर्स को तैयार करें, चाहे वो स्कूल एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए हो। ये हमेशा दायित्व यूनिवर्सिटी एजुकेशन को, यूनिवर्सिटीज के पास ही होना चाहिए था। पर हमारा कुछ हिंदुस्तान का जो शिक्षा का जो वो है, सिस्टम है, वो कुछ इस तरह से है कि स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, सेंट्रल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए शायद टीचर एजुकेशन ये में जो विभाजन देखने को मिला है, शायद ये जो विभाजन देखने को मिला है इसकी वजह से शायद रोल्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और रोल्स था वो बढ़ गए, और कभी भी हमने दोनों को जोड़ के नहीं देखा, यानी कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन को कभी हमने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी टीचर एजुकेशन के साथ जोड़ के नहीं देखा, दोनों को सेग्रीगेट अलग अलग शक्ल में देखा है। और शायद इसी वजह से टिल 2000 तक, 2000-2001 तक शिक्षा में आपको बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन इनफैक्ट ज्यादातर नहीं देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि परिवर्तन नहीं हुए, बिल्कुल 1947 के बाद जितने भी कोठारी कमीशन की बात करिए, राधाकृष्णन कमीशन की बात करिए, या मुदालियर कमीशन की बात करिए, या इवन नेशनल पॉलिसी 1986 की बात करिए, 1919 में मारामूर्ति की बात करिए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 92 की बात करिए, सभी ने इस बात को कहा है कि टीचर एजुकेशन को, यानी कि शिक्षक शिक्षा को के गुणवत्ता को बढ़ाने की बात कही है। गुणवत्ता को बढ़ाने की हमेशा बात की गई है, और गुणवत्ता के पीछे और इसकी वजह यह है क्योंकि शिक्षक को धुरी माना गया है, शिक्षक को, क्योंकि पूरी शिक्षण प्रक्रिया की धुरी माना गया है, इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता पर हमेशा जोर दिया गया है, क्वालिटी पर जोर दिया गया है। और शायद यही वजह रही कि चट्टोपाध्याय कमेटी में ड्यूरेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग या टीचर एजुकेशन की जो खासतौर पर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की जो टीचर एजुकेशन की जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, लेंथ है, लेंथ ऑफ टाइम वो है, वो बढ़ाने की बात कही गई है। यस प्रियंका, मैं समझ रहा हूं कि अंग्रेजी में भी देने की जरूरत है, बट ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू बी बाइलैंगुअल, मैं कोशिश करूंगा कि बाइलैंगुअल हूं। तो टिल 2000 तक वी विल फाइंड आउट दैट मेजॉरिटी ऑफ द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स रन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट या मेनली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दे आर मोस्टली फॉलो द रूटीन मैनर इन द सेंस कि जो भी थोड़ी बहुत जो तब्दीलियां, वॉट एवर द नेसेसरी चेंजेस हैव बीन डन और वॉट एवर द नेसेसरी चेंजेस हैज बीन सजेस्टेड बाय द डिफरेंट कमीशंस एंड कमिटीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द टीचर एजुकेशन करिकुलम एज वेल इन टीचर एजुकेशन सिस्टम एंड दैट्स वाई वॉट एवर द चेंजेस यू हैव बीन ऑब्जर्व फ्रॉम 1947 टू 2000 these changes are being observed because of the recommendations of the various commission and committees or the policies constituted by the government of India basically. But if you say ki drastic changes in the teacher education system that has been observed after 2000, if you say
व्हाई आई एम सेइंग 2000 टिल 1973 तक, अगर 1995 तक अगर आपको पता हो बच्चों विद्यार्थियों, एनसीटी को स्टैट्यूटरी पावर, वो जो एक पावर मिलती है, मैकेनिज्म मिलता है, जिस जो एक हमारा एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि शक्ति मिलती है पार्लियामेंट से, उसको 93 में शक्ति मिली, उसको पूरे देश में टीचर एजुकेशन को किस तरह से आगे ले जाना है, उसको बढ़ाना कैसे है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो ताकत है, उसको सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1993 में किया और उसको इफेक्टिवली 1995 में उसको क्या कहते हैं, उसका इफेक्टिव क्रियान्वयन जो है हम कह सकते हैं उसको देखने को मिला। यानी कि 1993 में जब स्टैट्यूटरी पावर दिए गए एनसीटी को, उसके बाद से ही अगर आप देखेंगे अभूतपूर्व चेंज या तब्दीलियां या चेंजेस आपको देखने को मिले 1993 के बाद ही। उससे पहले जो चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं, वो हैं, हुए भी हैं, बट शायद उतना बदलाव जो हम उम्मीद कर रहे थे टीचर एजुकेशन की क्वालिटी से, गुणवत्ता से जुड़ी हुई, वो शायद नजर नहीं आ रहा था। 2000 के बाद दो प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट हुई। एक तो हमारे यहां पर प्राइवेटाइजेशन का बहुत जबरदस्त तरीके से स्टार्ट हुआ हमारे यहां पर, और उसका उसका जो है उसका असर आपको टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में भी देखने को मिला और यहां तक कि टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम्स में भी देखने को मिला। कहना नहीं चाहिए 2000 के बाद ही हमारे यहां पर, एक्चुअली में कहें कि जो टीचर एजुकेशन का जो दायरा है, फैलाव है, नेटवर्क है, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे फैलने लगा। और फैलने की वजह से यह हुआ कि यह भी हुआ कि ज्यादातर टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि वो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में हाथ में आने लगे थे, इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा से विसंगतियां नजर आने लगी। यानी कि थोड़ा बहुत उसमें मैं ये कहूं कि प्रॉब्लम्स देखने को मिली, ये कहें कि थोड़ा बहुत कमर्शियलाइजेशन एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन भी 2000 शुरू में हुआ। बट मैं यहां पर ये कहूंगा, क्योंकि वो फेज ऐसा था कि जहां पर हमारे यहां पर सर्व शिक्षा अभियान भी धीरे धीरे लॉन्च हो रहा था और हमारे को बहुत बड़े तादाद में टीचर्स की रिक्वायरमेंट की जरूरत थी, और ऐसे में हमारे पास टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं होने की वजह से, उतने नहीं थे, उतने बड़े तादाद में नहीं थे, इसलिए टीचर एजुकेशन के दायरे को बढ़ाने की भी जरूरत थी, उसके इंस्टीट्यूशंस को खोलने की भी जरूरत थी। और इसी वजह से शायद थोड़ा सा ये हुआ कि 2000 के बाद जैसे जैसे टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस देश भर में खुलने लगे, साथ ही साथ में थोड़ी बहुत उसमें विसंगतियां भी, यानी कि डिफिकल्टीज भी, प्रॉब्लम्स भी आने लगी। और शायद यही वजह है कि सबसे पहले 2005 में जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का गठन किया गया, तो उसमें एक कमिटी, एक सब कमिटी जो बनाई गई, वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में एक सब कमिटी बनाई गई और खास तौर पर उस कमिटी का नाम था टीचर एजुकेशन फॉर करिकुलम रिन्यूअल। यानी कि खास तौर पर टीचर एजुकेशन के जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम चल रहा है, यानी कि करिकुलम है, उसको दोबारा से देखने की, एक फ्रेश आउटलुक देखने की कोशिश एनसीएफ 2005 ने की। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि 2000 के बाद जैसे जैसे ये कमर्शियलाइजेशन बढ़ा है ना टीचर एजुकेशन में, तो एनसीएफ पहली वो सरकारी डॉक्यूमेंट है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, मैं ये कह सकता हूं, जिसका एक बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में असर देखने को मिला। तो उन्होंने की एक कमेटी थी जिन्होंने इस टीचर एजुकेशन को, खास तौर पर प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों टीचर एजुकेशन को के ऊपर गौर किया, ऑब्जर्व किया, और उनकी जो खामियां थी, यानी कि उनकी जो कमियां थी, मैं ये कह सकता हूं, उसको उजागर करने में एक्चुअली में कोशिश की। और इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आप अगर गौर से पढ़ेंगे तो सबसे पहले इन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि टीचर एजुकेशन में के प्री सर्विस, खासतौर पर प्री सर्विस में और इवन इन सर्विस में भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का डाइल्यूशन हुआ है। यानी कि प्रोफेशनल जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए थे टीचर्स के, जो मानक होने चाहिए थे, पेशेवाराना जो मानक होने चाहिए थे, जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए थे, वो
व्यवसायिक जो मानक होने चाहिए थे, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए थे, वो गिरे हैं, ये उजागर किया एनसीएफ 2005 ने। दूसरी बात की जो देखने को इन्होंने दिखाया बताया जो सबसे बड़ा था कि एक भेद बन के रह गया, एक 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 एक, एक, एक खाई बन गई है प्री सर्विस और इन सर्विस, यानी कि हमारे लिए प्री सर्विस एक अलग हिस्सा है और इन सर्विस जो ट्रेनिंग है, टीचर एजुकेशन है, वो एक अलग हिस्सा है। यानी कि इन सर्विस अलग हिस्से को देखा गया और प्री सर्विस को अलग देखा गया, जबकि बार बार पिछली कमेटियों में भी, यानी कि चाहे कोठारी कमीशन को आप पढ़ लीजिए बार बार, और मुदालियर को भी पढ़ लीजिए, इवन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के डॉक्यूमेंट को भी पढ़िए, तो उन्होंने कंटिन्यूटी की बात कही है, कंटिन्यूम की बात कही है, पर अनफॉर्चुनेटली ये कंटिन्यूम कभी दिखा ही नहीं कि प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों ही एक है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है, सब कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पर उसके बावजूद भी हमने इनको पृथक पृथक करके देखा, तो एक इसको उजागर किया। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन इन यूनिवर्सिटीज वो बिल्कुल अलग थलग हैं मेन सेंटर ऑफ लर्निंग से, यानी कि किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए वहां पर आपको टीचर एजुकेशन का डिपार्टमेंट जो है वो अलग मिलेगा, और बाकी एजुकेशन, बाकी जो तमाम साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक साथ मिलेंगे, तो ये एक आइसोलेशन है, यानी कि टीचर एजुकेशन हमेशा आइसोलेशन में काम करता रहा है, ना कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करता है, और बार बार ये आज से नहीं, यहां तक कि राधा कृष्णन कमीशन ने इस बात को पुरजोर तरीके से कहा था कि टीचर एजुकेशन का डिपार्टमेंट शुड वर्क इन कोलैबोरेशन विद अदर डिसिप्लिन्स, विद अदर डिपार्टमेंट्स। ये 1948 की रिकमेंडेशन होने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी ऑलमोस्ट ऑल अक्रॉस इंडिया जितने भी यूनिवर्सिटीज थी और कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन थे, वो बिल्कुल अलग काम किया करते थे, उनका कोई मेन डिसिप्लिन से या मेन कैंपसेस से, मेन एरिया से, सब्जेक्ट से उनका कोई कंसर्न नहीं रहता था, खाली टीचर ट्रेनिंग वहां हो रही है। इसके अलावा कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो हम कहते हैं कि मुसलसल या रेगुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, इसकी भी बात की कि ये सबसे वीकेस्ट लिंक है टीचर एजुकेशन का, नॉट ओनली इन सर्विस बट ऑल्सो इन प्री सर्विस। मैं वाई आई एम सेइंग प्री, वाई दे हैव सेड प्री सर्विस में कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि हम जितने भी टीचर एजुकेशन, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन किया जा रहा था, वो बहुत ही पुराने तरीकों से, क्योंकि दुनिया बदल चुकी थी, समाज बदल चुका था, और यहां तक कि स्कूल बदल रहे थे, स्कूल के अंदर जो बच्चे थे वो बदल रहे थे, पर हमारा टीचर एजुकेशन उस नीड्स के हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से, स्कूल के जरूरत के हिसाब से बदल नहीं रहा था। और ये भी एक वन ऑफ द हाईलाइट है, ऑब्जर्वेशन है एनसीएफ 2005 का, कि स्कूल एजुकेशन बदल गया, स्कूल क्लासरूम्स बदल गए, स्कूल के डायनामिक्स बदल गए, पर टीचर एजुकेशन जहां खड़ा है वहीं खड़ा है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है, उनके करिकुलम में कोई बदलाव नहीं है, उनके पेडागोजी में कोई बदलाव नहीं है, उनके टीचर के ट्रेनिंग के तरीकों में कोई बदलाव नहीं है। ज्यादातर केस में मैं बता रहा हूं, एक्सेप्शनल ऑलवेज है, हमारे यहां पर ऐसे भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि खास तौर पर माने जाते हैं कि ये बहुत अलग तरीके से टीचर ट्रेनिंग या टीचर एजुकेशन करते हैं, उनमें से भारतीय विद्या भवन है, उसमें से एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया है, बीएचयू है, ऐसे कई यूनिवर्सिटीज हैं जो अलग तरीके से काम करते, अलग तरह से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, पर ज्यादातर जो है वो पुराने तरीकों पर टीचर एजुकेशन को ट्रेनिंग दे रहे थे, पुराने ढर्रों पर जिसको हम कहें, तो ये एक ऑब्सोलीट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रन कर रहा था। प्रोग्राम का मतलब मैं यहां करिकुलम से बात कर रहा हूं, करिकुलम जो है पूरा पुराने ढर्रों पर था। इसके अलावा नए आइडियाज जो आने चाहिए थे, फ्रेश जो आइडियाज हैं या फ्रेश पेडागोजी जो है, जो नए पेडागोजी जो रिसर्चेस से बाहर निकल रही थी, इंडियन में जो रिसर्चेस हो रही थी, बाहर जो रिसर्चेस हो रही थी, है ना, शोध हो रहे थे, उसकी वजह से जो नए आइडियाज ख्याल आ रहे थे, या नई पेडागोजीज, तदरीसी तरीके, या ये कहें पढ़ाने के जो नए तरीके आ रहे थे, उनको समाहित नहीं किया गया जा रहा था करिकुलम में, या टीचर एजुकेशन के करिकुलम में, और ना टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है ना। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि आम तौर पर
ज्यादातर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कोई नया काम नहीं कर रहे थे। इनोवेशंस, जो हम नया नवाचार की बात करते हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा था। मैंने ये भी कहा, इसलिए एनसीएफ ने पूरी तरह से कहा कि ज्यादातर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पुराने रवायती ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम्स फॉलो करते आ रहे हैं। स्कूल की नीड, स्कूल के स्ट्रक्चर में बदलाव होता जा रहा है, स्कूल के डायनामिक्स में बदलाव हो रहा है, पर टीचर एजुकेशन बिल्कुल उसके विपरीत काम कर रहा है। विपरीत का सेंस उसके मुताबिक नहीं काम कर रहा, उसके अनुसार नहीं काम कर रहा है। इसके अलावा टीचर एजुकेशन में सबसे बड़ी जो पॉइंट रेज किया गया एनसीएफ 2005 की तरफ से, वो ये है कि ज्यादातर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जब हम बच्चों को टीचिंग करने के लिए भेजते हैं, प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजते हैं, इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं, तो वो बिना क्रिटिकली कॉन्सेप्ट को इवैल्यूएट किए बिना, या ये कहें हम नॉलेज जैसे टेक्स्ट बुक में दी गई है या रखी गई है उसका ट्रांसमिशन होता है। यानी कि ये कहूं कि किताब, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ज्यादा टीचर इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, खासतौर पर प्री सर्विस में भी और इन सर्विस में भी, और ये स्कूलों में भी ये देखा गया कि जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं या जो ट्रेनिंग होती है जिन बच्चों की टीचर्स की प्री सर्विस में या इवन इन सर्विस में भी, वो जैसा नॉलेज दे रखा है, ज्ञान जिस तरह से दे रखा है, बिल्कुल उसी तरीके से उठाकर बच्चों को ट्रांसमिट कर देते हैं। ट्रांसमिट का मतलब ट्रांसफर कर देते हैं। उसमें ये भी नहीं समझते हैं, ये भी नहीं जानते हैं कि इसका महत्वपूर्णता क्या है, इसको, इसके अलग नजरिया क्या है, पर्सपेक्टिव इसके क्या हैं, इसके सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या हैं, ये नहीं समझ में आता उनको। सोशल कॉन्टेक्स्ट, वैल्यू क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, बिना कुछ सोचे समझे जैसा नॉलेज दिया गया है, जैसा ज्ञान उसमें लिखा गया है, बिल्कुल हूबहू उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ये भी नहीं देखते कि बच्चा गांव का है, देहात का है, शहर का है, या ही बिलोंग्स टू हिली एरियाज, या वो हिली एरियाज का है, प्लेन्स का है, शहर का है, गांव का है, कस्बे का है, ये सब बिना देखे जैसी नॉलेज किताब में देख रखी है, यानी कि किताबी नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, और उसको कोई चैलेंज भी नहीं करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉलेज किताबों में दे रखी है उसको चैलेंज का मतलब है सोशल कॉन्टेक्स्ट में चैलेंज, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में चैलेंज, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में चैलेंज करना नहीं करते हैं। हो सकता है जो नॉलेज किताब में दे रखी है वो किसी पर्टिकुलर कल्चर को, किसी पर्टिकुलर समाज से जुड़ी हुई हो, पर उसको कोई चैलेंज भी नहीं करता है, या उसको कोई गलत भी नहीं ठहराता, उसको ये भी नहीं चुनौती देता है कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में तो सही है बट इस कॉन्टेक्स्ट में ये गलत है, यानी गांव के कॉन्टेक्स्ट में तो सही नहीं है बट शहर के कॉन्टेक्स्ट में सही है, तो यहां तक भी नहीं है, तो जैसे दिया गया है वैसे ही ट्रांसफर कर देते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो उन्होंने एनसीएफ ने ऑब्जर्वेशन की वो ये थी कि ज्यादातर टीचर एजुकेशन पर में लैंग्वेज, जबान या भाषा, जो कि महत्वपूर्ण है और सेंट्रल है, सेंट्रल का मतलब केंद्र बिंदु है, टीचर एजुकेशन का केंद्र बिंदु जो है वो भाषा है। भाषा मतलब लैंग्वेज, क्योंकि ये मींस ऑफ कम्युनिकेशन है, टीचर को भाषा विशेषज्ञ होना जरूरी है। अब ये कहोगे क्यों कहोगे कि भाषा विशेषज्ञ क्यों है ना, क्योंकि भाषा विशेषज्ञ इसलिए होना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली जो भी ज्ञान अर्जित किया है शिक्षक ने उसको आपको बच्चों तक पहुंचाना है, उनको ट्रांसफर करना है, उसको ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, जब तक टीचर भाषा में परिपक्व नहीं होगा, प्रोफिशिएंट नहीं होगा, लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी नहीं होगी, तो इम्पॉसिबल है कि लैंग्वेज में अगर प्रोफिशिएंसी नहीं होगी तो चाहे वो साइंस का टीचर हो, सोशल साइंस का टीचर हो, गणित का टीचर हो, कुछ भी, कोई भी टीचर हो, वो अपनी बात सही तरीके से समझा नहीं पाएगा। और खास तौर पर ऐसे जगत में जहां पर भाषा की महत्वपूर्ण इतना है कि भाषा, और हमारे यहां पर तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी इतनी है, लैंग्वेज की, भाषा की इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी भाषा में प्रोफिशिएंसी होना बहुत जरूरी है, तो भाषा एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और वही सबसे बड़ी पॉइंट निकल के आया कि लैंग्वेज पर
कोई भी जिसको हम उर्दू में उबूर कहते हैं या उसमें कहते हैं प्रोफिशिएंसी, वो एक कमी देखने को मिली है। ये एक ऑब्जर्वेशन उन लोगों का रहा, एनसीएफ 2005 का रहा है। इसके अलावा भी एक चीज बहुत और गौर से देखने को लगी है कि ये मान लिया गया कि अगर टीचर प्री सर्विस टीचर और इवन टू ए लार्ज एक्सटेंट इन सर्विस टीचर भी जो है पेडागोजी मेथड, यानी टीच जब वो पढ़ा रहा है क्लासरूम में जाके पढ़ाता है, तो ऐसा लगता है कि इंस्ट्रक्शनल मॉडल और टीचिंग सब्जेक्ट के बीच में ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप या लिंक तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब है कि टीच ऐसा ये मान लिया गया है कि जब टीचर कुछ लेसन्स, कुछ सबक जब प्रेजेंटेशन करेगा या पढ़ाएगा, ऑटोमेटिकली उसको पेडागोजी आ जाएगी, उसको मेथड्स अपने आप आ जाएंगे, वो अपने आप उसमें मैचिंग हो जाएगी, नेचुरल मैचिंग हो जाएगी, कुदरतन अपने आप पेडागोजी और टीचिंग सब्जेक्ट के बीच में जो मैचिंग है, लिंक है, वो अपने आप जुड़ जाएगा। जबकि ऐसा कतई नहीं है। देखिए, हर टॉपिक की, हर कॉन्सेप्ट की पेडागोजी अलग हो सकती है। इवन इमेज कैन बी ए पेडागोजी, इवन पिक्चर कैन बी ए पेडागोजी, फिल्म स्ट्रिप कैन बी ए पेडागोजी, तो इवन मैं ये कहूं म्यूजिक कैन बी ए पेडागोजी। तो जो पेडागोजी है वो जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपको क्या पढ़ाना है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाना है और उसके लिए कौन सा पेडागोजी फिट इन है, यानी कि टीचिंग मेथड कौन सा फिट इन है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जाएंगी, तब तक ये लिंक नहीं तैयार होगा। पर हम ये एजम्पशन मान के चलते हैं कि लेसन प्लान तो डिलीवर कर रहा है, सबक दे रहा है, पढ़ा रहा है, तो ऑटोमेटिकली टीचिंग मेथड या इंस्ट्रक्शनल जो मेथड्स हैं और जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर ऑटोमेटिक लिंक तैयार हो जाएगा। जबकि ऐसा कतई नहीं है, कतई नहीं। अगर आप 5E अप्रोच के जरिए अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट, उसके लिए प्लानिंग, उसके लिए स्ट्रैटेजीज, उसके लिए क्या कहते हैं इवैल्यूएशन स्कीम, उसके लिए टीचिंग एड्स, उसी हिसाब से डिजाइन करने पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है, आपको कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो एक्चुअली में कहीं वो लिंक बन पाएगा। और हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई क्लास में लेसन प्लान पढ़ाने गए तो ऑटोमेटिकली वो मेथड के बीच में और पेडागोजी सब्जेक्ट के बीच में लिंकेज हो जाएगा, जबकि ऐसा कतई नहीं है। और ये एक ऑब्जर्वेशन आमतौर पर रहा है और ये देखने को मिला है कि कई बार स्टूडेंट इसी में उलझ के रह जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है कि किस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में कौन से पेडागोजी या इंस्ट्रक्शनल मेथड्स का या मॉडल्स की जरूरत पड़ेगी, वो कभी पता ही नहीं लगा पाता है। तो ये एक कमी उजागर की। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये क्या किया गया कि टीचर्स, देखिए टीचर्स भी समाज से आया है, टीचर्स के अपने ख्याल हैं, अपने बिलीव्स हैं, अपनी वैल्यूज हैं, एक तो ये है, और टीचिंग से रिलेटेड उसके आइडियाज हैं, टीचिंग से रिलेटेड उसके बिलीव्स हैं, उन बिलीव्स को आइडियाज को टेस्ट करने की जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली जो बताया जाता है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, टीचर वही पीपल टीचर या इन सर्विस टीचर या प्री सर्विस टीचर्स वही करते हैं, वो अपने आइडियाज को, अपने ख्यालात को टेस्ट नहीं करते हैं, वेरीफाई नहीं करते हैं। थ्योरी आपने पढ़ा दी, हमने पढ़ा दी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में, थ्योरी पढ़ा ली, कई सारी इंस्ट्रक्शनल थ्योरीज पढ़ा दी, लर्निंग थ्योरीज खूब पढ़ा देते हैं हम लोग, मोटिवेशनल थ्योरीज पढ़ा देते हैं, हैं फिलोसफीज कई सारी पढ़ा देते हैं हम लोग, पर उन फिलोसफीज को ग्राउंड रियलिटीज में, क्लासरूम में टेस्ट करने की जरूरत है। और हो सकता है कई ऐसे टीचर्स हों जो अपनी ही थ्योरीज, अपने ही आइडियाज निकाल सकते हैं और वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हो सकता है, समाज के हिसाब से, क्लासरूम के हिसाब से वो आइडियाज हो सकते हैं, उन आइडियाज को तैयार किया जा सकता है, उनके ऊपर थ्योरी तैयार की जा सकती है। पर हम टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आमतौर पर क्या करते हैं, आमतौर पर क्या करते हैं कि हम पेडागोजी पढ़ा देते हैं, हम फिलोसफी पढ़ा देते हैं, हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ा देते हैं, हम लोग साइकोलॉजी पढ़ा देते हैं, पर उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसको कैसे वेरीफाई करना है,
कौन सा सही है उस सिचुएशन में, कौन सा सही नहीं उतरेगा, कौन सी थ्योरीज गलत हो जाएंगी, कौन से फिलोसॉफिकल आइडियाज गलत होंगे, कौन से फिलोसॉफिकल आइडियाज सही होंगे, या अपने कौन से आइडियाज टेस्ट करने हैं, ये हम सिखाते ही नहीं है। यानी कि मोटे तौर पर हम ये कहें कि टीचर्स को हम इतना स्कोप ही नहीं देते हैं टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम में कि वो रिफ्लेक्ट भी कर सके जो वो पढ़ा रहा है उसमें, क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, ऐसे किसको और बेहतर तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं, अपने आइडियाज इसमें क्या लगा सकते हैं, उतना स्कोप, उतनी गुंजाइश हम नहीं छोड़ते हैं। और ये एक पॉइंट जो है एनसीएफ ने निकाला कि ज्यादातर काम लेसन प्लानिंग हो, इंटर्नशिप हो, प्रैक्टिस टीचिंग हो, इन सब में कागजी काम में ज्यादा हम उनको उलझा देते हैं, उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं कि वो अपने काम को रिफ्लेक्ट कर सके, थिंक कर सके कि जो मैंने काम किया है वो सही है या नहीं सही है, इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसमें क्या इनपुट्स और डाले जा सकते हैं, इसको किस और कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है, ये चीजें हम नहीं कर पाते हैं। और इसी चीज को एनसीएफ 2005 ने एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर देखाया है। एक और चीज जो है कि ट्रेनिंग ऑफ टीचर शुड बी एज, इनका कहना है कि एनसीएफ 2005 क्या कहा है कि टीचर जो है एजेंट ऑफ सोशल चेंज है, यानी कि समाज में बदलाव लाने का जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टीचर्स के ऊपर है। और यही चीज क्यों, कैसे समाज में लाएगा, जब वो क्लासरूम में जाएगा तो पढ़ाएगा, और जब पढ़ाएगा नॉट ओनली करवाएगा, बातचीत करेगा, सोशल इश्यूज को डिस्कस करेगा, सामाजिक जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस करेगा, उनमें मशवरा करेगा, डिस्कशन करेगा, चर्चाएं होंगी, तो उससे क्या होगा, बच्चों का दिमाग खुलेगा, बच्चों के अंदर जिज्ञासा आएगी, बच्चों के अंदर थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप होगी, क्रिएटिविटी डेवलप होगी। आज जो हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 में बात कर रहे हैं कि हमें ऐसे बच्चों को जरूरत है जो फोर चार स्किल क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग, है ना, इस तरह की कम्युनिकेशन, ये चीजें हों बच्चों के अंदर। वो कैसे होंगी जब तक हम अपने टीचर्स को सोशल चेंज के तौर पर तैयार नहीं करेंगे। तो एनसीएफ 2000 ने इस बात को कहा है कि सोशल चेंज के तौर पर टीचर्स को तैयार नहीं किया जा रहा है। टीचर्स अब वो टीचर्स को एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज के तौर पर नहीं तैयार किया जा रहा है, और यही एक बहुत बड़ी कमी है। इसलिए जब भी वो स्कूल टीचर अंदर बदलाव, स्कूल के अंदर बदलाव, पॉजिटिव बदलाव का मतलब है पॉजिटिव बदलाव, डिजायरेबल बदलाव, वो नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उस तरह के सोच विचार नहीं पैदा किए गए हैं, उनकी सोच को उस तरीके से आगे नहीं बढ़ाया गया है, उनको सोचने पर मजबूर नहीं किया गया है, उनको क्रिएटिव होने के लिए मजबूर नहीं किया गया है। और शायद इसी वजह से है कि टीचर एजुकेशन का, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का, इन सर्विस टीचर एजुकेशन का एक बदलाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एनसीएफ की, और ये एनसीएफ में जो कई सारी बातें आपको ऑब्जर्वेशन के तौर पर देखी गई हैं, ये ऑब्जर्वेशन पहले की कमिटीज ने भी अपने यहां पर देखी हैं और उसको दूर करने की बात भी कही गई है। पर एनसीएफ 2005 एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में हम कहते हैं। आज की तारीख में भी जो बदलाव आपको अब टीचर एजुकेशन को देखने को मिल रहे हैं, अभी जो पिछले एक दशक में जो बदलाव देखने को मिले हैं खास तौर पर, वो वजह इसकी है, उसका कारण यही है कि एनसीएफ 2000 और दूसरा एनसीएफटी 2009 जो अलग एक व्याख्यान में आप उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी बातें को समझेंगे कि एनसीएफ 2005 में जो बातें टीचर एजुकेशन और उससे जुड़ी हुई कही गई थी, उसी का असर आपको एनसीएफटी 2000 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन के लिए अलग से फ्रेमवर्क तैयार किया गया था एनसीटी द्वारा, उसमें झलक में आती है। और उसी वजह से जो ये परिवर्तन आपको देखने को मिला है 2014 के बाद, जो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है टीचर एजुकेशन में, वो इसी वजह से है। ठीक है, तो ये बेसिकली है। तो अब उन्होंने क्या कहा, किस तरीके का टीचर एजुकेशन की परिकल्पना करते हैं ये एनसीएफ 2005, किस तरह के टीचर एजुकेशन की परिकल्पना करता है।
तो उसमें दो बातें मुख्यतः आपको नोट करने की हैं कि उस परिकल्पना यह है कि एक ऐसा टीचर हम बनाएं जो ह्यूमेन हो, यानी कि वो सामाजिक तौर पर भी हो, जज्बाती भी हो, सपोर्टर भी हो, मोटिवेटर भी हो, फैसिलिटेटर भी हो, यानी कि एक टीचर का रोल मल्टी डायमेंशनल मल्टीटास्कर के तौर पर हो। वो खाली पढ़ाए नहीं, बच्चों को क्लासरूम में जाके पढ़ाए नहीं, बल्कि हो सके तो उससे उसको उसके साथ मिलकर थिएटर भी करे, उसको ले जाकर उसको बाहर एक्टिविटी भी कराए, उसको सामाजिक भी बनाए, उसको कल्चरल भी एनरिच करे, उसको सोशली भी एनरिच करे, उसको इंटेलेक्चुअली भी एनरिच करे। पहले क्या था, फोकस था क्लासरूम के अंदर, तो क्लासरूम तक सीमित रखने की बात नहीं की। उन्होंने कहा एक ह्यूमन टीचर बनाए जो कि सपोर्टिव हो, मोटिवेटिंग हो, बच्चों के लिए बहुत प्रोत्साहन देने वाला टीचर्स हो, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के अंदर जो छुपी हुई खूबियां हैं, बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, पोटेंशियल्स हैं, इनेट पोटेंशियल्स, जो छुपी हुई पोटेंशियल्स हैं, सलाहियतें हैं, उनको ना केवल उजागर करे, बाहर लेके आए। उजागर कैसे करेगा, बाय गिविंग अपॉर्चुनिटीज, प्लेंटी ऑफ क्लासरूम्स के अंदर, क्लासरूम के बाहर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दें, इतनी अपॉर्चुनिटीज दें कि हर बच्चे को लगे कि यस आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, आज मुझे अपना प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मेन एक विजन जो था उनकी, जो परिकल्पना थी, इस तरह का हो कि उनकी पोटेंशियल्स को पूरी तरीके से निखारा जाए, उनके अंदर जो सलाहियतें हैं, उनकी जो अंदर जो प्रतिभाएं हैं, अंदरूनी प्रतिभाएं जो छुपी हुई हैं, उनको उजागर किया जाए और उनको एक सोशल एंड ह्यूमन, सोशल भी और ह्यूमन कैपिटल तैयार किया जाए, यानी कि उसको ऐसा इंसान तैयार किया जाए जो समाज के लिए लाभदायक हो, समाज के लिए, मुल्क के लिए, यानी कि देश के लिए लाभप्रद हो, समाज के भलाई के लिए काम करे और जिम्मेदार शहरी हो। इसके अलावा खुद टीचर भी सीखने वाला हो, सबसे बड़ी बात यह है। परिकल्पना में यह भी है कि टीचर भी एक्टिव मेंबर हो, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट तो एक्टिव पार्टिसिपेशन हो ही, बट टीचर भी एक्टिव लर्नर वाला हो, यानी कि लर्नर का मतलब यह है उसका पढ़ना और पढ़ना पढ़ाना जो है वो निरंतर चलता रहे, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। मैंने इसलिए कहा कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात कही हम लोगों ने, इसमें कहा गया है, तो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब निरंतर उसका जो पेशेवाराना है, व्यवसायिक जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, वो चलता रहे, वो सीखता रहे। जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक वो बच्चों को नया नहीं सिखा सकता। तो इसलिए कॉन्शियस एफर्ट, अपना पूरा दिमाग, अपना समाज, अपना तन मन, सब कुछ लगाकर वो सीखने पर जोर दे, खुद भी सीखे, अपने बच्चों को भी सिखाए, अपने दूसरे टीचर्स को भी, साथ में शिक्षक को भी सिखाए, पूरे स्कूल को सिखाए, पूरे समाज को सिखाए। सीखने सिखाने वाला टीचर की हमें जरूरत है, हमें खाली पढ़ाने वाले टीचर्स की जरूरत नहीं है, हमें सीखने और सिखाने वाले टीचर्स की जरूरत है ना। और इसलिए उसमें टीचर्स जो भी तब्दीली, जो भी बदलाव करिकुलम में करना चाहें, अपने एंड से अपने करिकुलम को, अपने एंड से अपने अपने स्कूल के एंड पर जो भी बदलाव करना चाहें, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हिसाब से वो बदल सकते हैं। इतनी फ्रीडम, इतनी ऑटोनॉमी टीचर्स को मिल, यानी कि टीचर्स को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, टीचर को स्वायत्तता मिलनी चाहिए पूरी तरह से, कि वो करिकुलम को अपने बच्चों के, अपने समाज के, अपने क्लासरूम के, अपने माहौल के, अपने एनवायरमेंट के, अपने सराउंडिंग्स के एतबार से वो चेंजेस कर सके। चेंजेस का मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स में अगर एग्जांपल्स और एक्सपीरियंसेस अगर शहर के दे रखे हों तो गांव के ले लें, और अगर गांव के दे रखे हों तो वो शहर के ले लें, इस तरीके के बदलाव। और साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएं वो लोकल, यानी कि लोकल सिचुएशंस
कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक का मतलब है लोकल, जो अवेलेबल एरियाज हैं जहां पर वो हैं उनको देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए तैयार करें, उनको अपनाएं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब टीचर एजुकेशन का परिकल्पना तो ये थी, अब उन्होंने ये सोच, अब एनसीएफ ने ये भी सुझाया कि टीचर्स कैसे हों, तो ऐसे ये परिकल्पना है टीचर एजुकेशन की, प्रोग्राम्स की। तो अब टीचर एजुकेशन कैसा हो, किस तरीके का टीचर तैयार कर रहे हैं हम लोग, एक यानी कि शिक्षण प्रक्रिया, यानी कि टीचर एजुकेशन में संस्थानों, टीचर एजुकेशन के संस्थानों में किस तरह के टीचर्स तैयार किए जाएं। पहली बात नोट करने की जरूरत है, इन्होंने कहा कि टीचर के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग तैयार करने की जरूरत है कि सबसे पहले लर्निंग होती कैसे है, अधिगम होता कैसे है, बच्चे कैसे सीखते हैं। थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं, हम पढ़ा भी देते हैं, चाहे वो पीएजी की हो, चाहे वो हुल की हो, टॉलमैन की हो, थॉर्नडाइक की हो, हम सब बता देते हैं थ्योरी में। पर ये जानना बहुत जरूरी है कि हर बच्चा सीखता कैसे, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की जो तरीका है, प्रक्रिया है, वो अलग है। तो वो बहुत जरूरी है टीचर्स के लिए जानना किस बच्चा सीखता है। तो ट्रेनिंग किस बात की, कि हमें यह बताना समझाना है कि हमें जब बच्चों को क्लास में पढ़ाएं या हम पढ़ना पढ़ाने का जो जो माहौल तैयार हो या उसमें जो इस तरह का प्रोसेस शुरू हो, उसमें बच्चे सीखते कैसे हैं, ये फलाना बच्चा कैसे सीख रहा है, वो दूसरा बच्चा कैसे सीख रहा है, तीसरा बच्चा कैसे सीख रहा है, इस पर ज्यादा ध्यान दें, रादर देन सबको एक ही तरीके से सिखाएं। हम लोग स्कूलों में, हम लोग शिक्षण शिक्षण शिक्षक शिक्षा में, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, संस्थानों में सबको एक ही तरीके से पढ़ाते हैं, सबको एक ही तरीके, बल्कि सिखाना यह है कि हर बच्चा सीखता कैसे है, यह सिखाना है। समझ में आई बात? दूसरी बात कि नॉलेज जो किताबों में दी रखी है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उसका कोई हम उसको उसके उसका ऑल्टरनेटिव ये है, हम उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ नहीं रहे हैं। अच्छी किताबों में जो अच्छी नॉलेज दे रखी है उस वो अपनी जगह पर है, पर टीचर्स के अपने भी एक्सपीरियंसेस हैं, स्टूडेंट के अपने भी एक्सपीरियंसेस हैं, अपने तजुर्बात हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो उसको भी बहुत जरूरी है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट शुड टू हैव अ स्पेस, जगह मिले, बहुत जरूरी है। टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस बात की ट्रेनिंग होनी चाहिए या इस तरीके से टीचर्स तैयार किए जाएं कि टीचर्स के अपने एक्सपीरियंसेस और बच्चों के एक्सपीरियंसेस को जगह दी जाए, स्पेस दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हो सकता है। मैंने कहा कि हमारे यहां पर जो भी स्कूल में बच्चे आते हैं या इवन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे आते हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं, उनके अलग अलग तजुर्बे हैं, तो क्यों ना हम टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उन तजुर्बों को, उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करें और स्पेस दें, जगह दें, उनको अपने करिकुलम में जगह दें, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जगह दें, हम ये करने की जरूरत है। तीसरी बात है टीचर्स के अंदर कॉम्पिटेंसीज डेवलप करें। कॉम्पिटेंसीज का मतलब है सलाहियतें, या आप ये कहें कि उनके अंदर जो बेसिक कॉम्पिटेंस सलाहियतें, हम जनरली कॉम्पिटेंसीज का मतलब, तो बच्चों के अंदर सलाहियतें या कॉम्पिटेंसीज डेवलप करें टीचर्स के अंदर। किस तरह की कॉम्पिटेंसीज, टीचिंग कॉम्पिटेंसीज की बात नहीं कर रहे हम लोग, वो तो करेंगे ही हम लोग, उसकी तो बात ही कर रहे हैं हम लोग, इसके अलावा कल्चरल कॉम्पिटेंसीज, सोशल कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, इनकी भी बात करनी है, इनकी भी बात करनी है, कल्चरल एक्टिविटीज की कॉम्पिटेंसीज, स्पोर्ट्स की कॉम्पिटेंसीज, हर तरह की कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने की बात कर रहे हैं। साइंस का टीचर खाली साइंस तक ना महदूद रह जाए या साइंस तक उसका बाउंड्री ना हो जाए, साइंस का टीचर्स गेम्स खिलाने में भी, यानी कि गेम्स के जरिए कैसे साइंस पढ़ाया जाता है, फुटबॉल अगर आप खेल रहे हैं तो फुटबॉल के जरिए कैसे आप साइंस पढ़ाएंगे, वो करने की जरूरत है। और मैं यहां पर एग्जांपल, आप सभी ने अगर सभी बच्चों अगर आपने एग्जांपल देखा होगा, हिचकी अगर आपने पिक्चर देखी होगी, तो हिचकी में जो बच्चे
जो एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि हिचकी में एक सीन है जहां पर रानी मुखर्जी थ्रू अंडे के जरिए प्रोजेक्टाइल मोशंस पढ़ाती हैं, साइंस का कॉन्सेप्ट, उसमें मैथमेटिक्स भी पढ़ाती हैं और साइंस भी पढ़ाती हैं। तो हम उन उन चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, रटने वाली या रूटीन तरीके से या ब्लैक बोर्ड में लिखकर या थोड़ा बहुत छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंट भी तो हो सकता है पर हम इस तरीके से पढ़ाएं। खेल में अगर हो सकता है, फुटबॉल के जरिए, बैडमिंटन के जरिए, म्यूजिक के जरिए या किसी और तरीके से अगर हम चाहें तो उसको पढ़ाने की हुआ, तो इसका मतलब है इस तरह की कॉम्पिटेंसीज तैयार करें, उनके अंदर सलाहियतें पैदा करें जो क्लासरूम के बच्चों को समझे, उसके माहौल को समझे और उसके अनुरूप, उसके अनुरूप नए नए सिचुएशंस, हालात क्रिएट करें, एनवायरमेंट क्रिएट करें, लर्निंग एनवायरमेंट क्रिएट करें, नए लर्निंग एनवायरमेंट। और ये एनसीएफ का ये कहना है कि टीचर्स को इतना सशक्त हो जाना है कि वो टेक्स्ट बुक तक बंधा हुआ ना रहे। ही शुड नॉट बी बाइंडेड विद द टेक्स्ट बुक्स, ही शुड गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स, गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स एंड फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव्स, हाउ टू टीच अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट थ्रू म्यूजिक, थ्रू आर्ट, थ्रू ड्रामा, थ्रू स्पोर्ट्स, थ्रू गेम्स, यू कैन, एंड दैट्स व्हाट द टीच, दैट्स व्हाई व्हाट्स द टीच ट्रेनिंग शुड बी अबाउट। यही टीचर ट्रेनिंग में करना है, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की प्रक्रिया तरीका अलग है, आपको यही तरीका, ये इसकी ट्रेनिंग है टीचर एजुकेशन में, इस तरह के टीचर्स तैयार करने की बात करें हम लोग। इसके अलावा लैंग्वेज, जो सबसे बड़ा मैंने कहा, लैंग्वेज पर कमांड, लैंग्वेज पर विद्वता होना बहुत जरूरी है। हमारे यहां पर टीचर्स को की लैंग्वेज पर कमांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो क्या है, आप क्या कर रहे हैं, चीजों को कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं मानता हूं भाषा ओरल, एक भाषा ओरल यानी कि जबानी एक हो सकता है, बातचीत एक जरिया हो सकता है, पर रिटन भी हो सकता है, लिखकर भी, तस्वीरों के जरिए भी, साइन लैंग्वेज के जरिए भी, साइन लैंग्वेज। तो खाली भाषा का मतलब यहां यह मतलब नहीं है कि ओनली ओरल, रिटन, साइन और सब्जेक्ट के अपने लैंग्वेजेस हैं, उसमें विद्वत होना पड़ेगा आपको, उसमें विद्वत होना पड़ेगा, तभी जाकर आप लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको क्या उम्मीदें हैं एज ए टीचर। मैं जब ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैं जब टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इंटर्नशिप कर रहा हूं, प्रैक्टिस टीचिंग कर रहा हूं, और या इन सर्विस में जब ट्रेनिंग ले रहा हूं, तो मेरी क्या उम्मीदें हैं और मेरी क्या कैपेसिटीज हैं, मेरी क्या मेरे जो जो है पोटेंशियल हैं, हुनर मेरे अंदर क्या है, और यहां तक कि मेरे रुझान क्या है, मेरी इंक्लिनेशन क्या है, मेरे इंटरेस्ट क्या है, इसको भी ध्यान में रहना पड़ेगा। अक्सर हम बच्चों की इंटरेस्ट तो बात करते हैं, पर जो विद्यार्थी हमारे यहां आया हुआ है सीखने के लिए, टीचर स्टूडेंट टीचर्स जो हम यहां आए, उनकी इंटरेस्ट की बात नहीं करते हैं। तो हम स्टूडेंट की इंटरेस्ट की भी, स्टूडेंट टीचर्स की भी इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं यहां पर, और स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी भी इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, उनकी उम्मीदें की बात कर रहे हैं, यानी कि जो स्कूल में जो हमारे यहां पर ट्रेनिंग लेने आए हैं उन टीचरों की बात भी हम कर रहे हैं, उनकी क्या इंटरेस्ट हैं, उनकी क्या कैपेसिटीज हैं, है ना, उनके अंदर कितनी क्या हुनर है, उनके बारे में भी बात कर रहे हैं, और यहां तक कि स्कूल के टीचर्स की। तो एक टीचर्स की जब हम बात करते हैं, टीचर को ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, तो उनके इंक्लिनेशंस, उनकी नीड्स, उनकी कैपेसिटीज, उनकी उम्मीदें टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से क्या हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए, और उन्हीं को ध्यान को रखते हुए आप अपने टीचर ट्रेनिंग को उस तरह से तब्दील करें। इसके अलावा हमें यह सिखाना होगा, हमें अपने टीचर बच्चों को सिखाना होगा, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सिखाना होगा कि आप हमेशा अपने आप का मूल्यांकन करते रहें। बाहरी मूल्यांकन तो हम करते ही करते हैं, हम बाहरी मूल्यांकन करते हैं, चाहे वो क्लास टेस्ट के तौर पर हो, या सेमेस्टर में हो, एनुअल एग्जाम हो, इंटर्नशिप में एग्जाम्स हो, पर स्वयं का मूल्यांकन कराना भी सीखें, ये बहुत जरूरी है। और एजुकेशन प्रोसेस में स्वयं का मूल्यांकन बहुत जरूरी है,
स्वयं का मूल्यांकन बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि हमारी कमियां क्या हैं, हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमें किस एरिया में काम करना है, किस क्षेत्र में हमें ज्यादा काम करना है, भाषा में काम करना है, कंटेंट में ज्यादा काम करना है, विषय में ज्यादा काम करना है, या किस एरिया में हमको काम करना है, ये हमें तभी पता चलेगा। तो एज ए टीचर हमें सीखना पड़ेगा कि जब हम स्कूल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हैं तो हमें सीखना भी पड़ेगा और सिखाना भी पड़ेगा कि हम अपने आप को एसेस करते रहें, हम आपको मूल्यांकन करते रहें और रेगुलरली करते रहें, जिससे हमारी खुद की प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो। यह बहुत जरूरी है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि एनसीएफ ने यह भी कहा कि एक टीचर के अंदर यह गुण होना चाहिए कि वो आर्टिस्टिक और एस्थेटिक सेंस दोनों होने चाहिए उसके अंदर, कला में भी वो महारत होना चाहिए, कला में भी महारत होना चाहिए, कला महारत का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत एक्सपर्टीज हो, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ कलर्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डिजाइंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक सब कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एस्थेटिक सेंस होना चाहिए। अक्सर हम ये दिक्कत पाते हैं कि जो ड्राइंग और पेंटिंग का टीचर है, परफॉर्मिंग आर्ट का टीचर है, उनके अंदर ये कला देखते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमें हर टीचर को ये सिखाना पड़ेगा, हर टीचर को ये बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, उसके अंदर एक कलाकार मौजूद है, तो उस कलाकार को उजागर करना और उसके अंदर वो एस्थेटिक सेंस डेवलप करना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल कह रहा हूं कि अगर आप साइंस के टीचर्स हैं और आपने साइंस के प्रोजेक्ट्स अपने बच्चों के साथ किए हैं, और अगर आप साइंस के प्रोजेक्ट्स को कतार में लगा रहे हैं तो उसको किस तरीके से लगाना है, कतार में कैसे लगाना है कि शोभा बढ़े, अच्छा लगे, लोगों को अच्छा लगे देखने में, वो भी एक सेंस है, उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उस तरह के टीचर्स। तो हमें इस तरह के टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट है, ऐसे टीचर्स की आज की तारीख में रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर आर्टिस्टिक और एस्थेटिक सेंस दोनों हो। इसके अलावा हम ऐसे टीचर्स को तैयार करने की बात कर रहे हैं, एनसीएफ इस तरह के टीचर्स की तैयार करने की बात कर रहा है जो खास तौर पर जो है जो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, जो कमजोर तबकों के बच्चे हैं, सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो बच्चे हैं, दोज हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन, उनके लिए हमें खास तौर पर अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, हमारे टीचर्स को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ जाना चाहिए हमारे यहां पर स्कूलों में जो बच्चे आ रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे जो फर्स्ट जनरेशन, उनकी पहली नस्ल, पहली जनरेशन पढ़ रही है स्कूलों में, तो उनको पढ़ना, उनको पढ़ाना, उनको सिखाना, उसके लिए आपको नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, नए तजुर्बे आपके पास होने चाहिए, नए तरीके अपने पास होने चाहिए, नई स्ट्रैटेजीज आपने पास होनी चाहिए, नए इंस्ट्रक्शनल तरीके होने चाहिए आपके पास, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए खास तौर पर जो बच्चे हमारे स्कूल्स में आ रहे हैं, आज की तारीख में जो स्कूलों में आ रहे हैं, वो क्योंकि विभिन्न समाज के हिस्सों से आ रहे हैं, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांवों से, अलग अलग कस्बों से आ रहे हैं हमारे स्कूलों में, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने टीचरों को इस तरह से ट्रेनिंग करें कि वो उन बच्चों को भी उतने ही बेहतर तरीके से पढ़ाएं, उनकी उनकी नॉलेज को, उनके कल्चर्स को, उनके ज्ञान को वो को इस्तेमाल करें, प्रयोग करें अपने क्लासरूम की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। और आजकल तो कह ही जा रहा है कि मल्टी कल्चरल क्लासरूम्स की बात कर रही जा रहे हैं, और कहते हैं कि और कहा भी जा रहा है, और ये रिसर्चेस में, शोध में ये पक्का हो गया है कि एक मल्टी कल्चरल क्लासरूम्स हमेशा फायदेमंद करार होती है हर बच्चे के लिए, क्योंकि जिस तरीके का
अनुभव वो प्रदान करती है अलग अलग तरीके के बच्चों को और टीचर्स को, वो अनुभव कहीं पर नहीं मिल सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप, हम अपने टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जब अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें तो खास तौर पर इस बात को भी ट्रेन करें और इस तरह के टीचर्स तैयार करें जो इन बच्चों को भी समाहित कर सके, उनको एजुकेशन के अंदर यानी कि उनके अनुरूप अपने आप को तब्दील कर सके। इस तरह के टीचर्स की बात कर रहे हैं, एनसीएफ बात करता है। इसके अलावा बच्चों को वक्त वक्त पर पर्सनल, सोशल, कल्चरल, कैरियर गाइडेंस यानी हर तरह की गाइडेंस की, काउंसलिंग की बात की है। टीचर्स एक अच्छा काउंसलर है, याद रखिएगा। तो उसके अंदर हम उनके अंदर वो स्किल्स, वो हुनर पैदा करें उन टीचरों के अंदर कि वो वक्त पड़ने पर अपने स्कूल के बच्चों को, अपने बच्चों को एजुकेशनल, शिक्षा, व्यवसायिक, जाति, पर्सनल तमाम तरीके की गाइडेंस दे सकें, काउंसलिंग कर सकें। यह बहुत जरूरी है। टेंथ में बच्चा जब पास हो जाता है तो उसके अंदर यह दुविधा रहती है कि वो साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले या क्या ले, वो कैरियर किस में चुने। तो यहां एक टीचर का रोल बहुत बड़ा है कि वो उसकी प्रतिभा को पहचाने, उसके रुचि को पहचाने, उसके हुनर को पहचाने, उसकी उनके अंदर जो एबिलिटीज हैं उसको पहचाने और उसके बाद उसको एडवाइस करे, सलाह मशवरा दे कि आप इस साइंस पढ़िए या कॉमर्स पढ़िए, ह्यूमैनिटीज पढ़िए या कुछ और कोई सब्जेक्ट, वोकेशनल एजुकेशन लीजिए कोई भी। और अब तो एनईपी आने की वजह से इतना दायरा बढ़ गया है, इतना एक्सपैंड हो गया है कि अब तो सब्जेक्ट्स या जो सब्जेक्ट्स हैं आपके जो डिसिप्लिन से वो इतने सारे हो गए, मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है आने वाले इस वक्तों में कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, चॉइसेस बहुत हैं। तो आपके पास अगर वो चॉइसेस हैं तो उन चॉइसेस को सेलेक्ट करने में, चुनाव करने में आप उनको मदद करें। इसके अलावा सबसे बड़ी बात एक जो कही और मैं ये गांधी जी के वर्धा कमेटी में बात कही गई थी कि क्राफ्ट को एक मीडियम के तौर पर, शिक्षण मीडियम के तौर पर, टीचिंग मीडियम के तौर पर, टीचिंग लर्निंग मीडियम के तौर पर उभारें। तो यहां पर भी वही बात की गई है, कोई भी प्रोडक्टिव वर्क, कोई भी ऐसा प्रोडक्टिव वर्क को आप पेडागॉजिक मीडियम के तौर पर उभारें। मैंने इसलिए कहा कि गांधी जी की क्यों बात की, क्योंकि गांधी जी ने भी यही कहा था कि गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है, नई तालीम में जो बात कही गई थी कि क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब है क्राफ्ट वुड बी ए वन ऑफ द पेडागॉजी मीडियम। तो उसकी बात की गई है कि एनसीएफ 2005 ये भी कहता है कि आप प्रोडक्टिव वर्क को पेडागॉजिक मीडियम के तौर पर उभारें और बच्चों को ज्ञान, वैल्यूज और स्किल्स एक्वायर करने में, हासिल करने में या तैयार करने में, कल्चरल बेस्ड, इट कैन बी वोकेशनल बेस्ड, कोई भी बेस हो, व्यवसायिक हो सकता है, आपका क्राफ्ट हो सकता है, SUPW हो सकता है, एग्रीकल्चरल हो सकता है, कोई भी ऐसा वोकेशनल बेस्ड हो सकता है और उसके माध्यम से आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करें। तो उन्होंने इस बात को कहा और मेरे को लगता है, और अगर आप एनसीएफ के डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कुम्हार, अगर कुम्हार है वो है लकड़हारा है या इस तरह के समाज में जो लोग हैं जो अपने अपने काम में बहुत ही निपुण हैं, उनको अगर आप स्कूल के टीचर्स के तौर पर एक दिन या दो दिन के तौर पर बुला के लाएंगे तो टीचर उनके, उनको, उनकी हुनर से, उनके माध्यम से, उनकी कला के माध्यम से टीचर्स बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा सकता है। मैं एग्जाम्पल बता सकता हूं कि मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए कुम्हार का जो पहिया है उसमें सर्कमफ्रेंस और एरिया, सेक्टर्स सब पढ़ाए जा सकते हैं। उसमें से सेक्टर पढ़ाना हो, सर्कमफ्रेंस पढ़ाना हो, एरिया पढ़ाना हो, कुम्हार को ले आइए और वो आपको बता देगा, पढ़ा देगा मैथमेटिक्स, उससे गणित पढ़ा देगा, उससे उस एरिया, उस टॉपिक को पढ़ा देगा और बखूबी पढ़ा देगा। टीचर्स उसको इस्तेमाल करें और पढ़ाए उसको। तो यही पेडागॉजिक वर्क कहा है कि क्राफ्ट सेंटर्ड या क्राफ्ट को मीडियम बनाते हुए
एक पेडागॉजिक मीडियम बनाते हुए यानी कि तदरीसी तरीका या शिक्षण विधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ये बात कही। अब मैं एनसीएफ के आखिरी हिस्से की तरफ आ रहा हूं और वो ये है कि पहले क्या जो एनसीएफ ने देखा कि अपने ऑब्जर्वेशन में, अपना जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में उन्होंने बार बार इस बात को कहा और कहीं पिछले 40-50 सालों में जो उन्होंने देखा टीचर एजुकेशन को और टीचर एजुकेशन को किस तरह से चलाया जा रहा था अलग अलग संस्थानों में, है ना। मैंने फिर मैं बता रहा हूं, कुछ संस्थान द्वारा, आप मैं आपको दोहरा रहा हूं, कुछ संस्थानों ने 1947 के आजाद होने के बाद, भारत आजाद होने के बाद या स्वाधीनता के बाद से ही बहुत बेहतरीन काम किया है और इसीलिए शायद वो आज भी उनको गिना जाता है। मैंने इसलिए कहा भारतीय विद्या भवन हो और भारत बनस्थली विद्यापीठ हो या आपके के एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा हो, पीएचयू हो, जामिया हो, है ना, या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, ऐसे कई सारे हमारे सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस हैं टीचर एजुकेशन के, आज भी हैं। पर हमारा कंसर्न उन ज्यादातर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ है, उन पर ज्यादा हमको फोकस करना है जहां पर कि टीचर एजुकेशन को गलत तरीके से, उसके करिकुलम को गलत तरीके से इस्तेमाल पढ़ाया जा रहा है या उनको सिखाया जा रहा है। और क्योंकि वो ज्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ज्यादातर देखा गया था, मैं ये बार बार कहूं, और आपने जस्टिस वर्मा कमेटी को भी आप आगे चल के आगे के व्याख्यान में पढ़ेंगे, जो जस्टिस वर्मा कमेटी में भी इस बात का उल्लेख है कहीं ना कहीं, देयर इज अ मेंशन दैट इन द जस्टिस वर्मा कमेटी ऑल्सो दैट हाउ द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर फंक्शनिंग ओवर द लास्ट टू डिकेड्स, यानी कि 2012 से ये बात, और ये कोई बात छुपी भी नहीं है। पर मेन जो है वो किस तरीके का टीचर एजुकेशन का करिकुलम हो या टीचर एजुकेशन के ट्रेनिंग में या टीचर एजुकेशन के संस्थानों में किस तरह की टीचर्स तैयार किए जाएं, उन्होंने इस बात को बताया। तो उन्होंने एक कंपैरिजन किया, एक भेद किया कि, और उस भेद को मैंने इस तरीके से मैं प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। पहली बात तो यह है कि पहले टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में टीचर, जैसे स्कूलों में धुरी जो थी टीचर्स थी, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो धुरी थी, केंद्र बिंदु था, वो टीचर था। तो उन्होंने ये कहा इस केंद्र बिंदु को शिफ्ट कीजिए। शिफ्ट कीजिए का मतलब है आप अगर स्कूलों में धुरी को या केंद्र बिंदु को शिफ्ट कर रहे हैं स्टूडेंट की तरफ, क्योंकि एनसीएफ में स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया था, एनसीएफ में यह बात सिफारिश में कही है कि जितनी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि अधिगम का जो भी प्रोसेस होगा, शिक्षण अधिगम का जो भी प्रोसेस होगा, वो पूरा केंद्रित होगा, छात्र बिंदु होना चाहिए, छात्र केंद्र में होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्र में होना चाहिए। इसी तरह से टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी इस बात को कहा गया, इन्होंने कहा कि वहां पर भी टीचर, स्टूडेंट टीचर केंद्र बिंदु होना चाहिए, टीचर केंद्र, क्योंकि जब तक आप उसको केंद्र बिंदु में नहीं रखेंगे और उसको नहीं समझाएंगे, सिखाएंगे और बताएंगे उनकी जरूरतों को, उनकी आकांक्षाओं को, उनके ख्यालों को, उनके तजुर्बों को, जब तक आप अपने उनके तजुर्बातों को, जब तक आप अपने करिकुलम में, अपने व्याख्यानों में, अपने क्लासरूम डिस्कशंस में जब तक शामिल नहीं करेंगे, तब तक बच्चा नहीं सीखेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी सेंटर जो होना चाहिए, धुरी जो होनी चाहिए, केंद्र जो होना चाहिए, वो लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए और बहुत लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई फिक्स पैटर्न की तरफ, जैसे हम लोग पहले कह, उन्होंने कहा कि एक जैसे अगर आपने देखा होगा घोड़े के आगे जो नाल आगे जो बंधी रहती है, आगे का जो हिस्सा बंधा रहता है जिससे कि घोड़ा जो है लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं देख नहीं पाता है, तो बिल्कुल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो करिकुलम चल रहा है बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। टीचर स्टूडेंट को इतना भी मौका नहीं दिया जाता है कि वो दाएं और बाएं देखें या अपनी सोच को कहीं डालें, अपने तजुर्बे को कहीं इस्तेमाल करें, प्रयोग में लाए। तो बिल्कुल जो है एक केज के अंदर, एक पिंजरे के अंदर जो है बंधा हुआ है। तो वही उन्होंने बात कही कि आपको मुक्त करना होगा,
स्टूडेंट सेंट्रिक बनाना होगा, स्टूडेंट को केंद्र बिंदु बनाना होगा, स्टूडेंट को मुक्त करना होगा, उसको अपने ख्याल अपने तजुर्बे सब उसको लेके आना पड़ेगा। जब इस तरह की आप ट्रेनिंग देंगे तो वही ट्रेनिंग जब वो स्कूल में लेके जाएगा तो वही चीजें वो वहां पर भी करेगा। एक बात। दूसरी बात, लर्नर को यानी कि सीखने वाले बच्चे को पूरी स्वायत्तता देनी चाहिए, ऑटोनोमी, लर्नर ऑटोनोमी, पूरी तरह से स्वायत्तता होनी चाहिए। जैसे हम स्कूलों में बच्चों की कह रहे हैं स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी स्वायत्तता की बात करनी चाहिए, स्टूडेंट को स्वायत्तता देनी चाहिए, ठीक है। उसको हर चीज डिक्टेटरशिप के तौर पर या इंस्ट्रक्शन हिदायत के तौर पर इंस्ट्रक्शन के तौर पर नहीं देना चाहिए, आप उसके साथ चले, यानी कि टीचर एजुकेटर्स जो है वो उसके साथ चले, उसके मिलके चले, ना कि खाली उसको गवर्न करता रहे। दिशा निर्देश देने का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ नहीं चलना है, हुक्म नहीं चलाना है उनके ऊपर, उसको निर्देश देना है नहीं है, बल्कि साथी बनकर चलना है। तो लर्नर की स्वायत्तता को प्रमुखता दी गई, देने की बात की गई टीचर एजुकेशन में। टीचर का रोल फैसिलिटेटर, सपोर्टर और मोटिवेटर की बात की। जो उम्मीदें हम स्कूल की टीचर से कर रहे थे, वही उम्मीदें हम टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में टीचर एजुकेटर से कहा गया या टीचर एजुकेशन में कहा गया, टीचर एजुकेशन के करिकुलम में कहा गया कि यही चीज टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और उसके करिकुलम में होनी चाहिए। कि साथ में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए स्टूडेंट का, स्टूडेंट खाली मूक दर्शक बनकर क्लासरूम में ना बैठे, उसको आजादी हो किसकी बात की, अपने को इजहार करने की, अपने ख्यालों को इजहार करने की, अपनी बात कहने की उसको आजादी हो, अपने ख्यालात को इजहार करने की जरूरत है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस तरह का होना चाहिए। इसके बाद का है, लर्निंग को क्लासरूम तक दायरे में ना बांधें बल्कि वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखें, लर्निंग को स्कूल से बाहर समाज में देखें, बाजारों में देखें, अलग अलग हर जगह देखें, कि उसको खाली किताबों तक बांध के ना रखें बल्कि उस ज्ञान को आप किताबों से बाहर लेकर समाज के अंदर लेके आए, खेल के मैदान में लेके आए, ड्रामा में लेके आए, थिएटर्स में लेके आए और ऐसी तमाम जगहों पर लेके आए, उसकी बात की गई। नॉलेज को देने की जगह क्रिएट करने की बात कही गई, निर्माण करने की बात कही गई। नॉलेज हम लोग क्या करते हैं, क्लासरूम्स में दे देते हैं, भैया ये पढ़ लो या ये, बल्कि निर्माण, बहस करके, इसलिए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की मैंने ये कहा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात की गई, निर्माण करने की, नॉलेज को, ज्ञान को सृजन करने की, निर्माण करने की, कंस्ट्रक्ट करने की बात कही गई। यह है मेन बात। इसके अलावा मल्टीडिसिप्लिनरी की बात की गई। खाली टीचर एजुकेशन को, अगर वो साइंस में टीचर है तो खाली साइंस में मत बांध के रखो, उसको सोशल साइंस का भी ज्ञान दो, उसको आर्ट्स का भी ज्ञान दो, उसको मैथमेटिक्स का भी ज्ञान। तो हम मल्टीडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर टीचर्स को, हम क्योंकि आप तो ये तय हो गया है कि इस शिक्षा नीति एनपीई 2020 में, शिक्षा नीति में तो बात खुले तौर पर क्लियर हो गई है कि हमारे यहां पर मल्टी डिसिप्लिनरी स्कूल सब्जेक्ट ऑफर किए जाएंगे 9 के बाद से ही। तो हमारे को शिक्षक को भी वैसा ही होना है और वैसे ही बनाना है, तैयार भी वैसे ही करना है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। इसके अलावा उसको बहुत तरीके के एक्सपोजर्स दो, अलग अलग एक्सपोजर्स, एक्सपोजर्स का मतलब है उनको अलग अलग जगहों पर ले जाएं, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स और तमाम समाज के हर जगहों से उसको जोड़ने की काम करें, उसको एक समाज का को तब्दील करने का, मैंने कहा ना सोशल एजेंट के तौर पर, चेंज एजेंट फॉर चेंज के तौर पर, सोशल चेंज के तौर पर उसको तैयार करें। इसका मतलब वो क्लासरूम में भी चेंज हो और वो जरूरत पड़ने पर समाज में भी आए और बदलाव का काम करे, चाहे वो कोई भी जेंडर का मामला हो या
एनवायरमेंट का मामला हो, वहां उन सब जगहों में चेंज के तौर पर, बदलाव के तौर पर, पॉजिटिव बदलाव के तौर पर, डिजायरेबल बदलाव के तौर पर, तब्दीली के तौर पर वो तैयार करें उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना मूल्यांकन स्वयं करते रहें और लगातार करते रहें स्वयं। जब तक आप टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, अपने आप को मूल्यांकन करते रहें कि मैं आप क्या सीख पाया, क्या नहीं सीख पाया, क्या कमी रह गई, कहां मुझे और सीखना है, क्या मुझे और जानना है, कहां वो सोर्स क्या होंगे, वो सोर्स कहां होंगे, कहां से मैं जान पाऊंगा, और कितनी और कौन कौन से ज्ञान मुझे अर्जित करने हैं, चाहे वो भाषा से जुड़ी हो, चाहे वो विज्ञान से जुड़ी हो, चाहे वो गणित से जुड़ी, हर क्षेत्र की नॉलेज हमको होनी चाहिए। हमें अब स्पेशलाइज्ड का जमाना, इसीलिए हम मल्टीडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं। हमको हर चीज में ज्ञान अर्जित करना है, क्योंकि आज के ज्ञान को हम एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक में बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि नॉलेज कभी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं हो सकती है, वो इंटरडिसिप्लिनरी भी है, मल्टीडिसिप्लिनरी भी है। तो अगर आप जैसे मैंने कहा ना, साइंस को हम इंटीग्रेटेड अप्रोच में पढ़ाते हैं, या सोशल साइंस को इंटीग्रेटेड अप्रोच में पढ़ाते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, तो अब हमें इंटीग्रेट करके पढ़ाना है तमाम सब्जेक्ट्स को देखते हुए, उसको केंद्र बिंदु में रखते हुए, कि कोई कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम रियाज मैथमेटिक्स में कैसे इस्तेमाल डील करें, उसी को जब हम, अगर उसके अंदर साइंस आ रही है तो साइंस में उसको कैसे समाहित करें, उसको कैसे पढ़ाएं, तो ये इस तरह की ट्रेनिंग देनी है हमको। और ये एनसीएफ का एक बहुत बड़ा, तो ये इस तरह की टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। और इसी तरह की टीचर एजुकेशन की जब आप बात कर रहे हैं, जब इस तरह की आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, और इस तरह की सुझाव की वजह से, इस तरह की, तो आप देखिएगा एक 2005 के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, इतना बड़ा बदलाव जो कि पिछले विगत, शायद मेरे को लगता कि मुझे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तकरीबन 16-17 साल हो गए, इतना बड़ा बदलाव मैंने पिछले कई दशकों में नहीं देखा है जितना कि अब देखने को मिल रहा है। तो ये बदलाव की जो सूत्रधार है वो एनसीएफ 2005 को मैं मान सकता हूं, सबकी अपनी अपनी राय है, बट मैं 2005 को मान सकता हूं। और इसी की बुनियाद पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि जो पाठ्यचर्या जो टीचर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन, टीचर एजुकेशन के लिए तैयार की गई 2009 में एनसीटी ने, वो उसी की एक झलक है। और उसके बाद जस्टिस वर्मा की वजह से 2014 में जो करिकुलम में बदलाव आया, जो आपको झलक मिल रही है, जो अब चल रहा है, ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है, वो यही इसी वजह से बदलाव है। इससे पहले भी बदलाव होते रहे, मैं ये नहीं कहूंगा कि बदलाव बिल्कुल नहीं हुए। 47 में जो करिकुलम था वो, या जो टीचर एजुकेशन का सिस्टम था वो 1990 में नहीं था, बिल्कुल उसमें भी बदलाव हुए थे, बट बड़ा एक बदलाव की जो बात डिमांड कर रहे थे बार बार, बहुत सारी कमिटीज और कमीशन जो डिमांड कर रही थी पिछले विगत 30-40 सालों से, 50 सालों से, वो उस डिमांड को दोबारा एनसीएफ ने अपने यहां पर रखा, और उस डिमांड को तकरीबन अनदर 10 सालों में उसको पूरा किया गया 2014 के करिकुलम में। अगर आपको देखने को मिलेगा तो 2014 में करिकुलम में, खासतौर पर बीएड के टीचर एजुकेशन के करिकुलम में आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। ये तो हुआ एनसीएफ से जुड़ा हुआ। अब आते हैं दूसरी जो कमिटी है, वो यशपाल की कमिटी थी 2009 में। उन्होंने मुझको, उन्होंने भी कुछ, क्योंकि यशपाल कमिटी खासतौर पर हायर एजुकेशन से डील कर रही थी, उसी के स्ट्रक्चर को, उसी के उसको रिजुविनेट यानी कि नया करने के लिए कोशिश कर रही थी, उसके अंदर नई तब्दीलियां लाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि टीचर एजुकेशन उसमें एक अंग था। तो उन्होंने बहुत बहुत बड़ा तकरीबन 2-3 पैराग्राफ हैं टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए, उसी को मैं आपके सामने रखूंगा। तो टीचर एजुकेशन में उन्होंने जो कहा वो मैं आपको बताऊं, और लास्ट में मैं नेशनल नॉलेज कमीशन के ऊपर बात करूंगा कि टीचर एजुकेशन में जो कमिटी का नाम था वो ये था कि रिनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन, रिनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन। और उसमें जो मुख्यतः बात की गई उसको मैं बात कर रहा हूं, और उन्होंने भी वही बात की जो मैं फिर से कहूंगा कि एनसीएफ में भी और नेशनल नॉलेज कमीशन में भी आपको ये बातें दोबारा दोहराने को मिलेंगी। एक तो ये कहा गया कि टीचिंग
हायर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन हमेशा हायर एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए, जो कि अब तक बात करती रही है, उन्होंने भी यही बात कही है ना। और उसका काम है नॉलेज क्रिएट करना और डिसेमिनेट करना, क्योंकि टीचर एजुकेशन जो है उसका काम है नई नॉलेज को क्रिएट करना और उसको फैलाना। तो टीचर एजुकेशन, और क्योंकि हायर एजुकेशन का एक बड़ा काम नॉलेज को क्रिएट करना और डिसेमिनेट करने का है, वो स्कूल एजुकेशन का काम नहीं है, तो इसलिए टीचर एजुकेशन को हायर एजुकेशन में रखना चाहिए। एक ये काम कहा उन्होंने। दूसरी बात की कही गई कि टीचर एजुकेशन अब तक स्कूल एजुकेशन की जिम्मेदारी रही है, बिल्कुल होनी भी चाहिए, पर स्कूल पर ये खाली स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं है, खाली स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं, बल्कि हायर एजुकेशन के शिक्षकों के लिए भी बहुत जरूरी है टीचर ट्रेनिंग, टीचर ओरिएंटेशन, टीचर रिफ्रेशर, टीचर इंडक्शन। आज जो आप ये रिफ्रेशर, इंडक्शन और ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो फ्रेश जो टीचर्स अपॉइंट हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, उनकी भी इंडक्शन, उनकी भी ट्रेनिंग की बात, ये बात कही गई है। तो उन्होंने ये कहा कि टीचर्स जो स्कूल टीचर्स हैं उनके लिए तो है ही है, हायर एजुकेशन की टीचर्स के लिए भी ये बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करे या उनको ओरिएंट करे, उनको रिफ्रेश करे, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन बहुत सबस्टैंडर्ड है हिंदुस्तान में, और उसको गुणात्मक बनाने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश करे, और प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी, स्कूली एजुकेशन के लिए, तो खास तौर पर स्कूली एजुकेशन के लिए जो गुणात्मक तब्दीली या चेंज की जरूरत है, ये बात उन्होंने फिर से उठाई कि प्राइमरी, प्री प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी टीचर एजुकेशन के अंदर, क्योंकि क्वालिटी के अंदर बहुत गुणात्मक नीचे आया है, इसलिए उसमें बदलाव करने की जरूरत है। एक और जो सबसे बड़ा उन्होंने उदाहरण दिया है, और यशपाल कमेटी में इसका जिक्र भी है, कि उन्होंने बीएलएड प्रोग्राम, अगर आपने सुना हो, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने चलाया हुआ है और बहुत ही बेहतरीन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम माना जाता है, खासतौर पर स्कूली शिक्षक के लिए। तो उन्होंने उसकी एक मिसाल, एग्जाम्पल्स, उदाहरण के तौर पर पेश किया है कि इस तरीके का टीचर एजुकेशन प्रोग्राम देश भर में चलने की कोशिश होनी चाहिए, यानी कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को एक मिसाल के तौर पर, बीएलएड प्रोग्राम को एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर पेश किया उन्होंने। तो उन्होंने अपने कहीं उस पर लिखा है कि इस तरह की टीचर एजुकेशन प्रिपरेशन होनी चाहिए, इस तरह की क्वालिटी ऑफ टीचर्स की होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का रिगरसनेस, जिस तरह से 4 साल का है वो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, 4 ईयर्स है, रिगरस है, मल्टीडिसिप्लिनरी है, ये सब चीजें उसमें हैं, और टीचर्स को उतना स्कोप है अपने आप को रिफ्लेक्ट करने का। तो वो जो चीजें बीएलएड के प्रोग्राम में उन्होंने नजर आई हैं, उनका उन्होंने उदाहरण के तौर पर उन्होंने वहां पर जिक्र किया है अपनी रिपोर्ट में। इसके अलावा एक फाइनल जो मैं आप बात बताना चाह रहा हूं कि हायर एजुकेशन में खास तौर पर टीचरों को, यानी कि हायर एजुकेशन के जो टीचर्स, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, और खास तौर पर यूनिवर्सिटी के टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को खास तौर पर यह काम करना चाहिए कि उनको जो टीचर्स वो तैयार कर रहे हैं उनको 2 स्किल्स पर ज्यादा जोर देना चाहिए। एक तो मूल्यांकन करने की जो तरीका है टीचर को आना चाहिए। टीचर को आमतौर पर हम लिखने, ओरल और रिटन, ये 2 ही स्किल्स के ऊपर हम तैयार करते हैं, पर ओरल एंड रिटन स्किल्स के अलावा भी कई और तरीकों से भी टीचर का मूल्यांकन करें, इसके ऊपर उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और साथ में पेडागॉजी, जो भी नई तरीके शिक्षण विधियां आ रही हैं या पेडागॉजिकल स्ट्रेटेजीज आ रही हैं, उनके ऊपर उनको ट्रेनिंग या उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, ये बात भी यशपाल कमेटी में बात कही गई। अब कुछ 5-7-10 मिनट के बात है और उसमें मैं आपको उसका मैं खत्म होऊंगा। नेशनल नॉलेज कमीशन, आपको पता होगा, ये तीसरा हिस्सा जो मेरे को मिला था मैं आपको बता रहा हूं। नेशनल नॉलेज कमीशन जो कि जिसके कि सैम पिट्रोडा चेयरमैन थे, उन्होंने बकायदा हर एक आस्पेक्ट पर अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी कमिटी, उस कमीशन, नेशनल कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने बहुत बहुत ही वॉल्यूमिनस
बहुत ही मोटे दस्तावेज के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार की और कई हिस्सों में रिपोर्ट तैयार की। उसमें उन्होंने टीचर एजुकेशन के ऊपर तो स्पेशली कोई एक चैप्टर या कोई एक क्या कहते हैं हिस्सा नहीं लिखा है, पर उन्होंने स्कूल एजुकेशन के अंदर टीचर एजुकेशन को शामिल किया है। बट उन्होंने फिर भी वहीं पर वो बातें फिर से वो दोहराई गई जो कि मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने डाइट्स को सशक्त करने की बात कही, प्री सर्विस प्री प्राइमरी और प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर एजुकेशन को की गुणवत्ता को बढ़ाने की बात कही गई। उन्होंने टेक्नोलॉजी को खास तौर पर उन्होंने कहा, उनका ज्यादा जोर था कि टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाया जाए, टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाया जाए, किस लिए टेक्नोलॉजी के जरिए आप टीचरों की ट्रेनिंग करें, यानी कि टीचरों को ट्रेनिंग दे कि वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके क्लासरूम में अभूतपूर्व बदलाव या तब्दीली ला सकते हैं। तो ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, चाहे वो इन सर्विस में हो चाहे वो प्री सर्विस में हो, उनको टेक्नोलॉजी के जरिए उनको उनको तैयार किया जाए, टेक्नोलॉजिकली उनको अपग्रेड किया जाए, और जिसके बाद उनको जब भी वो स्कूल में जाएंगे उन टेक्नोलॉजी के जरिए उन रिसोर्सेज के जरिए वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे। इसके अलावा नेशनल नॉलेज कमीशन की एक सिफारिश भी कहो या ऑब्जर्वेशन भी कहो, आपको उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग जगहों पर अभी तक क्या था, डाइट्स प्री प्राइमरी की बात कर रहे थे और जो कि एससीईआरटी के कंट्रोल में था और सेकेंडरी खासतौर पर यूनिवर्सिटी टीचर एजुकेशन की में था, तो उन्होंने ये कहा कि अब वक्त आ गया है कि ये आपस में मिलकर काम करें। अब मिलकर काम करने का मतलब है कि वही मैं बात कर रहा हूं कि मिलकर काम करने का मतलब इंटीग्रेट होकर काम करें और प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन को अलग अलग ना देखें बल्कि एक ही देखें और उस हिसाब से तब्दीलियां करें। तो ये मुख्यतः नेशनल नॉलेज कमीशन की जो है क्या कहते हैं सिफारिशें थी जो कि मैंने आपको कहा। तो मोटे तौर पर अगर देखेंगे इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को अगर आप और तरफ से पढ़ेंगे तो एक बात साफ है, इन लोगों ने ये बात सही समझा है कि टीचर एजुकेशन की क्वालिटी में गुणात्मक तब्दीली यानी कि पॉजिटिव चेंजेस लाने की जरूरत है, पहली बात। टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंटिन्यूस होनी चाहिए, दूसरी बात। करिकुलम में बहुत बड़ी तब्दीली की जरूरत है, यह भी बात उन्होंने सभी ने मानी कि करिकुलम जो है वो बहुत चेंज की जरूरत है और उसका फलस्वरूप हम देख ही रहे हैं कि चेंजेस हो रहे हैं और नई पॉलिसी आ जाने के बाद एनपी 2020 आने के बाद आप सुन ही रहे होंगे बीएड को 4 साल का करने की कोशिश की जा रही है 2022 से, तो उसमें नई चीजें मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जा रहा है। तो जो भी ऑब्जर्वेशंस पिछली कमिटियों की थी उसके अलावा जो नयापन अब आने जा रहा है उसको कहीं ना कहीं आज की परिपेक्ष में देखने के बाद ये लगता है कि टीचर एजुकेशन में टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए आपको नॉट ओनली करिकुलम में चेंज करना पड़ेगा बल्कि उसके स्ट्रक्चर में भी चेंज की जरूरत है। करिकुलम में चेंज है, स्ट्रक्चर में चेंज है और सबसे ज्यादा जो चेंज की जरूरत है वो है इंटर्नशिप में। ये बार बार हम कह रहे हैं कि टीचर की इंटर्नशिप में यानी कि प्रैक्टिस टीचिंग में टीचर को जो स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है उसमें सबसे ज्यादा तब्दीली की जरूरत है। ये ऑलमोस्ट एनएफसी का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का भी यही कहना है और इवन नेशनल नॉलेज कमीशन का भी कहीं हद तक ये कहना है कि इसमें तब्दीली होने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये चीज अब 2014 के बाद कुछ हद तक बहुत बदली है, अब लॉन्गर ड्यूरेशन हो गया है, लंबे अरसे तक अब टीचर्स ट्रेनिंग स्कूलों में अपना समय व्यतीत करते हैं, ना केवल वो पढ़ाते हैं बल्कि और चीजें भी सीखते हैं। और अब 4 साल के टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम जो कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आने जा रहा है उसमें और ये क्योंकि लंबा वक्त हो जाएगा, समय ज्यादा लंबा हो जाएगा और मल्टीडिसिप्लिनरी हो जाएगा, तो मेरे को लगता है कि जो अब तक कमियां रही हैं टीचर एजुकेशन के करिकुलम में, उसके इंस्टीट्यूशन में, उसको चलाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, वो शायद इस 4 ईयर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आने के बाद शायद बहुत हद तक बदलाव आएगा, नॉट ओनली इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, वो तो है ही है, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो खासतौर पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो टीचर एजुकेशन में जो बदहाली आई है उसमें बहुत बड़ा एक अभूतपूर्व चेंज आने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए
और मैं जानता हूं वो एक घंटे से ज्यादा का हो गया है, बट तीन कमीशंस थी और तीनों कमीशंस की बहुत खासतौर पर नेशनल नॉलेज कमीशन और एनएफसी काफी लंबा था, तो उसको सार में मैंने बहुत सार में उसको बताने की कोशिश की है। किसी का कोई भी सवाल है तो आप चैट बॉक्स में, मैं दो तीन मिनट और इंतजार करूंगा, दो तीन मिनट में चैट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, या सोमू सर को आप चैट बॉक्स में या भेज दीजिए, तो उसका कोई भी जो भी सवाल होगा उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा अपने एंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद सोमू सिंह को और सोमू सिंह के एंटायर टीम को, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इस तरह का एक प्रोग्राम, एक सीरीज का आयोजन किया हुआ है, और जिसकी वजह से बहुत से बच्चे खास तौर पर जो नेट के लिए तैयार, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उनको लिए ये एक पॉजिटिव काम करेगा और हो सकता है उनके लिए काफी बेहतरीन वो रहेगा, उनके लिए उनके उनके स्टडी में, उनके पढ़ने में और उनके सहायक रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सोमू सर और आपके एंटायर टीम को, धन्यवाद।